Hello everyone. So I'm waiting for you all guys. So good evening guys, I'm Rupali and you are at Bollywood Color Insta Live और आज हम फिर आपके साथ एक लाइव लेकर आए हैं. So and आपको पता है आज हमारे कौन से स्पेशल गेस्ट. So we have Jasleen with us और कुछ ही देर में Jasleen हमारे साथ लाइव आएंगी और आप कुछ भी उनसे और Jasleen बहुत अच्छा गाती भी हैं तो आज हम उनकी आवाज़ भी सुनने वाले हैं. तो जो भी आप क्वेश्चंस उनके लिए तैयार रखिएगा जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं. सो हाय एवरीवन. यस हाय. ओके हाय रॉकी. हाय दीपक. Hi Bridge Kishore, hi everyone. Hi Nawaz, hi Shikhar, hi Satnam. So I think आते जा रहे हैं सारे लोग. Hi Deepak. आपके questions ready है ना. आप अपने questions ready रखिएगा. जैसी Jasleen आती हैं तो फिर हम उनसे बहुत सारा entertainment करेंगे, questions पूछेंगे और उनकी आवाज भी सुनेंगे. Like she is a very good singer also. Hi Navneet, hi Ehsan. So it's lockdown और जैसा कि पता है आपको कि आप लोग घर पे ही रहिएगा प्लीज, बिकॉज बाहर मत निकलेगा. हाय नवाज. हाय एवरीवन. Hi Alicia, it's Jannat is writing, we are Alicia. Okay. Hello Sandeep, how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? और Jasleen से कुछ भी पूछने के लिए आप तैयार हैं सारे लोग? Are you guys ready? So we are just coming live with Jasleen. बस कुछ ही देर में हम आने वाले हैं उनके साथ live. हेलो रमीज. हेलो इन द नेटवर्क इश्यूज देयर स्टिल. हाय हाय हाय. एक सेकंड में जरा एडजस्ट कर लो इसको. ये डिवाइड हो जाते हैं ना हम दोनों इस चक्कर में. इसको आगे पीछे करना. ओके Can you see me now? Yes. Yes, you're looking gorgeous. Better. Seriously, my God. अरे आज मुझे इतना लेट हो गया उठने में और मैं बहुत आराम से उठी हूँ तो मैं अब जाकर नहाकर तैयार हुई हूँ. But you're looking very charming, seriously. Thank you. I'm sorry, मुझे आपका नाम नहीं पता. रूपाली. Yeah. Okay, so आपका क्वारंटीन कैसे जा रहा है? सी अभी तो मैं आपके साथ लाइव हूँ और बाकी का एज यूजुअल यू नो लाइफ इज गोइंग ऑन. परफेक्ट. बट अभी और ज्यादा जितना लॉकडाउन हो गया तो उतनी ज्यादा लेजी हो गए हम लोग.
ये तो है, ये तो है, पर मैं लेजी नहीं हुई हूँ, मैं ठीक है एंजॉय कर रही हूँ थोड़ा सा अपने आप में. ओके, तो व्हाट इज योर स्केड्यूल, क्या रहता है, सुबह कितने बजे उठते हैं, व्हाट व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग? सी यूजुअली आई गेट अप अर्ली, बट यस्टरडे लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लिटिल लेट, तो फिर मुझे आज उठने में ज्यादा लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया इनफैक्ट, बट हाँ उठ जाती हूँ मैं आराम से, जल्दी उठती हूँ, देन आई डू माई रियाज, देन आई डू माई यू नो मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ, आई मेक सम टिकटॉक वीडियोज, देन आई वांट द टिकटॉक वीडियोज, तो वो सब चल रहा है अभी फिलहाल. ओके, तो आप रियाज करते हैं सुबह उठ के, डेली करते हैं रियाज? वो मैं रोज करती हूँ, अगर अगर मैं जैसे तानपुरा पे अगर रियाज नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं कुछ गाने सुनती हूँ और उनको गाती हूँ, जो पुराने गाने लता जी आशा जी वाले वो सब गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, वैसे भी रियाज होता है, वो भी एक तरीका है रियाज करने का, तो फिर मैं वो भी करती हूँ. ओके, तो वैसे मैंने फैंस को अभी प्रॉमिस किया था कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और अभी जसलीन हम शुरुआत में हमें जसलीन कुछ दो लाइन सुनाने वाली है, तो जसलीन प्लीज. तो आई विल टेल यू रूपाली, मैं ना अब चली गई हूँ, अब मैं चली गई हूँ 90s वाले जोन में, तो मैं वही गाने आज सुन रही थी, इनफैक्ट कल से मैं 90s के ही गाने सुन रही हूँ, तो मैं वही सुनाऊंगी, एक बहुत पॉपुलर रिमिक्स हुआ था चढ़ती जवानी, जो मैं सुन रही हूँ वो परियों वाला, रिमेम्बर? चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा हाय रामा हाय रामा हाय रामा. Wow, beautiful, really. क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, सीरियसली. थैंक यू सो मच, थैंक यू. वैसे 90s के गाने ना अपने आप में बहुत ही अच्छे, मतलब अभी जो बात करें गानों की तो थोड़े से उनका मतलब मीनिंग उतना समझ में नहीं आता, बट 90s में रियली सुन के ना सूदिंग लगता है बहुत. आई नो वो एक अलग ही टाइम था गानों का. मैं नहीं कहती कि आज के गाने अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली अच्छे हैं, टाइम चेंज होता रहता है, म्यूजिक का भी चेंज होता है, वैसे भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बट आज भी अच्छे हैं, बट वो एक टाइम बिकॉज हम वो सुनते आ रहे हैं, मैं वो सुनती आ रही हूँ, तो शायद वो कहीं ना कहीं दिमाग में यू नो अभी भी बैठा हुआ है. यस यस यस, अभी रिसेंटली आपने गेंदा फूल जो अपना ये जैकलीन और बादशाह का आया, उसका डांस भी मैंने देखा था, इट वॉज अमेजिंग रियली. सो यू लव डांसिंग ऑल्सो? I am a trained dancer. I love dancing. जब मैं बहुत stressed होती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि okay मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, then I'll start dancing. तो वो मेरा stress buster है और मैं उसे बहुत enjoy करती हूँ. और गेंदा फूल चैलेंज मैंने anyways करना था. I really loved the song. और आज ही इनफैक्ट वो सास बहु बेटियां आज तक में फीचर भी हुआ वो. और आई एम रियली हैप्पी पीपल लव्ड इट, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा कि उनको बहुत पसंद आया जो मैंने वर्जन. इट वाज अमेजिंग, रियली अमेजिंग. आई डोंट नो, बहुत ही सडनली डिसाइड किया, कोई कोरियोग्राफी सेट नहीं थी, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड सुन रही थी मैं गाना, मैंने बोला चलो यार लेट्स डू दिस, मैं वॉक करते करते अपने ही घर में यू नो वो मैंने ऑन द स्पॉट कर लिया. ओके, तो अभी फ्यूचर में कुछ ऐसा है प्लान म्यूजिक वीडियो करने का? एब्सोल्युटली, बहुत मेरे दो गाने ऑलरेडी रिलीज होने वाले हैं, तो अगेन बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होगा. और एक आई एम डूइंग अ मूवी नाउ विद अनूप जी, वो मेरी स्टूडेंट है, तो उसकी 4 दिन की शूट बची है, वो एक बार फिनिश हो जाए तो पहले तो थिएटर्स में आप लोग मुझे देखेंगे, उसके बाद ये दो गाने मेरे रिलीज होने वाले हैं जल्दी. तो अभी जो आप बता रही है मूवी अनूप जी के साथ आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कैरेक्टर है, कैसा है और क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ? इट्स अ कॉमेडी मूवी, जो हम एक मतलब जो रियलिटी है मेरे और अनूप जी के बारे में, कि किस तरह से हम मिले, क्या हुआ, क्या रिश्ता है, क्योंकि वो आज भी वो सवाल आता है मेरे पास, है ना, उनके पास भी आता है, जब हम स्टेज शोज कर रहे होते हैं तो उनको पूछते हैं भाभी जी कहाँ पर है, मुझे पूछते हैं अरे जीजा जी कहाँ पर है, और किसी का नाम अगर ऑडियंस में अनूप है तो वो बताता है मेरा नाम अनूप है, तो इस तरह की बातें अभी भी होती हैं, वो एक मजाक के तौर पे लिया जाता है, मुझे नहीं पता किस तरह, लेकिन वो किया जाता है. तो अब उसको कैसे, मैंने और अनूप जी ने डिसाइड किया कि हम डैडी के पास गए, हमने बोला यार इस चीज को खत्म किया जाए, कैसे होगा ये हमें बताओ, तो डैडी ने कहा कि एक फिल्म के थ्रू हम इसको दिखाते हैं, और बड़े खर्चे हो गए हमारे इस चक्कर में, मूवी के थ्रू अब हम बताएंगे कि क्या है कैसे है, बट इन अ कॉमेडी वे, फनी तरीके से, ये कोई सीरियस वो नहीं है. सो आप अनूप जी के साथ बिग बॉस में भी आई थी, राइट? और सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर, मतलब क्योंकि बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें भी आई सामने, कुछ फैंस ने भी बोला और काफी सारी चीजें हुई, तो क्या कहना चाहोगे, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वहां पर, कैसा रहा, क्योंकि बिग बॉस में अगर आप गए तो लड़ाई झगड़े होना
मतलब जैसे अभी भी बिग बॉस इस सीजन का आया था 13, तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े देखने को मिले, तो हाँ क्या हाँ एक्सपीरियंस था? मैंने जो अब जब हम एंटर कर रहे थे, हमने सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है, ना उनके दिमाग में था ना मेरे दिमाग में था. हम डायरेक्टली स्टेज पे ही मिले थे. ओके यू नो, 6 दिन तक हमें हमें एक दूसरे से बात करना अलाउड नहीं था. मैंने अनूप जी से बात तक नहीं की. 6 दिन पहले बात हो चुकी थी, उसके 6 दिन बाद कोई डिस्कशन नहीं, क्या करना क्या नहीं, कहाँ हो क्या कर रही हो, कुछ नहीं. और 6 दिन बाद डायरेक्टली अच्छा अनूप जी मुझे स्टेज पे मिल गए. तो उसके बाद मतलब आप सोच सकते हो कि दिमाग में कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और हम कट्टू घर के अंदर थे. और फिर जब बातें हो रही थी, सब छेड़ रहे थे हमें, हाँ हाँ रिश्ता है तुम, क्या है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चीजें होने लग गई. फिर टास्क होने लग गए मेरे और अनूप जी को लेकर, जहां पर उन्हें राजा बना देते थे, मुझे उनकी वजीर बना देते थे, और डेट पे जा रहे हैं हम, इस तरह की चीजें होने लग गई. तो डिफिकल्ट बाहर आने के बाद हुई चीजें मेरे लिए. घर के अंदर ऑब्वियसली था, जहां पे उनको जब टास्क आया था कि उन्होंने कहा कि मैं किडनैप हो गया हूँ, तो मुझे अपने कपड़े और मेकअप का सारा सामान दे दो. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, और वो सब एक नया ड्रामा शुरू हो गया. अनूप जी ने कहा नहीं, मैं जोड़ी नहीं हूँ, अब मेरी जोड़ी टूट गई है. तो अब हम जब वो सब हम अंदर थे और ये सब चीजें हो रही थी, हमें नहीं पता था कि बाहर वो चीज कैसी दिख रही है, क्या हो रहा है, कितना बड़ा बवाल हो रहा है इस बात पर. असली टेंशन तो तब शुरू हुई जब मैं बाहर आई, जब अनूप जी बाहर आए, उन्होंने काफी चीजें फेस की, और जब मैं बाहर आई तब एक अलग ही लेवल का यू नो मैडनेस हो रहा था. मेरी कंट्रोवर्सी बिल्डिंग के बहुत नीचे, ज्यादा हो गई थी. मेरी बिल्डिंग के नीचे, मतलब अनूप जी आपकी अदालत में गए, रजत शर्मा जी ने उनको इस तरह के सवाल पूछे, देन मेरे पापा को कुरुक्षेत्र, इंडिया टीवी की तरफ से जो हुआ उस कुरुक्षेत्र में दोनों यू नो डिबेट हो रहा है. तो इतनी बड़ी बात हो गई थी कि नेशन का टॉपिक बन गया, मीम्स बनने लगे उसके ऊपर कि अनूप जी के आगे मोदी जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आपने पेट्रोल के रेट जो है वो भुला दिए. फिर निक जोनस को लेके, प्रियंका निक जोनस ऊपर और नीचे मेरी और अनूप जी की फोटो है ना, कि आप लोग रॉकस्टार बनते हैं, ये देखो भजन गाओ. इतनी सारी बातें होने लग गई कि जब मैं वापस आई, मेरे मेरे मैं इस तरह कांप रही थी, क्योंकि नीचे इस तरह मीडिया थी. क्या क्या जवाब दो, मतलब हर 2 मिनट में मुझे ऊपर जाके चेंज करना पड़ता था, एक मीडिया डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट. इतना ओवरवेलमिंग हो गया था और इतना घबराहट वाला हो गया था वो चीज मेरे लिए. तो असली टेंशन जो है वो बिग बॉस के अंदर नहीं थी, बाहर आने के बाद इसके हुई थी बाहर मेरे आए. लिए. सो इट वॉज आई थिंक थोड़ा सा फीलिंग, मतलब बहुत आपको पिंच हुएंगी ये सारी चीजें. तो अभी तक लाइक अभी छोड़ दिया कि अभी भी लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कि मेमोरी में है वो सारी चीजें? मेमोरी में अगर नहीं भी होगी तो वो लोग तो याद दिला ही देते हैं ना, वो तो चीज नहीं हुई ना खत्म, क्योंकि वो कहीं भी. अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ एक आध महीने पहले जब मैंने सोचा कि मैं यू नो लोखंडवाला में कुछ चीज मैंने लेनी थी, मैं उतरी फटाक से और वॉक करके मैं रोड पे जा रही थी, तो एक लेडी जो जा रही थी रास्ते में, वो थोड़ी सी कंसर्न थी मुझे लेकर, तो इमिजिएटली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया चलते हुए इस तरह से, क्या आपने अनूप जी से शादी कर ली है? मैंने कहा नहीं, क्या आप शादी करने वाले हो? वो इतनी सीरियस हो गई कि लोग इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि उनको उन्हें भी नहीं चाहिए. फिर महिला मंडल के फोन आने लग गए थे बीच में कि अरे यार आप यू नो जसलीन को डांट लिए, डैडी को कॉल आ रहे थे कि जसलीन को डांटिएगा नहीं, कि बच्ची है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं इस तरह. तो लोग इतना सीरियसली उस चीज को लेते हैं और वो भूलने नहीं देते. अब उनके विकिपीडिया में मेरा नाम आ गया है, मेरे विकिपीडिया में उनका नाम आ गया है ना, तो वो एक जिंदगी भर के लिए है चीज. हाँ यू आई कांट हेल्प इट. ओके तो अभी अच्छा आप अपनी मूवी के बारे में बता रहे थे अनूप जी के साथ, तो हाँ जी. अनूप जी भजन सम्राट हैं, लेकिन अभी सुनने में आया कि उन्होंने उसमें कोई रैप गाना गाया है, राइट? कुछ ऐसा, और वो उनका एक लुक भी बहुत अलग अलग एक बहुत ही न्यू अवतार में अनूप जी आएंगे, और वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छा बात होगी. बहुत ही न्यू अवतार है. और जब हम इनफैक्ट शूट कर रहे थे तो बॉम्बे टाइम्स फ्रंट पेज पे आया था जब के अनूप जी और मैं, हम दोनों का पोस्टर जब शेयर हुआ था बॉम्बे टाइम्स में, तो तभी लोगों के बड़े कॉल्स आने लग गए कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अनूप जी ये क्या कर रहे हैं. पीपल वाज सो हैप्पी, दे वर एक्साइटेड, बिकॉज एक नए अवतार में यू नो भजन सम्राट हमारी कंट्री के वो आ रहे हैं. और वो ये भी नहीं कि मतलब कोई बस नॉर्मल जीन्स एंड ऑल पहनी हुई है, मतलब रैपर बने हुए हैं. इट्स अ वेरी बिग ओके थिंग. आई थिंक ऑल मस्ट बी वेटिंग, वी आर ऑल या वेटिंग या फॉर या हिम. तो वही एक गाना जब आ जाएगा तब मजा आएगा लोगों को. तो जिसलिए अभी रिसेंटली आप MSK में दिखे थे शो हाँ में, है जी ना? हाँ तो जी कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पर आपका? यार, पता है मैंने ना कल आपकी मयूर वाली इंटरव्यू देखी है, मैं बड़ी डरी हुई हूँ आज. नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं पूछने वाली हूँ, सीरियसली. कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स इन दी हाउस, और
बिग बॉस का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था और ये वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट था. इसमें प्यार थी, प्यार था, जलन थी और मस्ती थी, फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ये सब चीजें हो रही थी. तो कॉन्सेप्ट भी बहुत डिफरेंट था. एंड या आई मेड अमेजिंग फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड आई डिड एमएसके. ओके, तो अगर हम डिफरेंस पूछे बिग बॉस और एमएसके, तो कौन सा ज्यादा, अगर हम बोलेंगे परसेंटेज में, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपको? मीन्स किसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा था, दोनों ही, मैं वही कह रही हूँ, मजेदार? दोनों ही बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. बिग बॉस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें इतना तनाव होता है उस घर के अंदर, आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते हो, सब आपको दुश्मन ही लग रहे होते हैं, क्योंकि आपको कैप्टनसी जीतनी है, आपको बिग बॉस अगर बनना है तो आपने आगे जाना है, कैसे आगे जाना है, आपको दोस्त बनाने के लिए भी डर लगता है. जब तक आपको एक आध महीने नहीं हो जाए उस घर के अंदर, आपको वो समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली आपका फ्रेंड कौन है और आपका दुश्मन कौन है. और हर हफ्ते आपके फ्रेंड्स चेंज होते हैं और दुश्मन चेंज होते हैं. टुवर्ड्स द एंड जाते जाते फिर आपके दुश्मन आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो वो बहुत तनाव वाला माहौल है. और ये वाला जो माहौल है वो बहुत ही हैप्पी, मस्ती, हम फ्लर्ट कर रहे हैं, पप्पियां दे रहे हैं एक दूसरे को, ये सब चीजें हो रही है वहां पर. तो दोनों कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों ही बहुत डिफरेंट है और दोनों में ही बहुत मजा है. And how was your occasion with Paras Chhabra? कैसे थे? Very good, very good. I think अगर अगर मुझे best friend चाहिए हो, जैसे अगर कोई best friend वाली quality अगर है तो वो उस लड़के में है. वो ऐसा है कि like हमने देखा ही है माहिरा के साथ बिग बॉस में जैसे थे, थ्रू आउट द शो उन्होंने अपनी दोस्ती अच्छी निभाई है. तो या यू कैन रिलाई ऑन हिम. दोस्ती दोस्ती ऐसी अगर करोगे तो वो अच्छे से ही करेगा. And what about Navdeesh? About Navdeesh, Navdeesh is sweet. Initially when she entered the show, she was little maybe confused, I can say. But धीरे धीरे क्या होता है कि जब समझ में आता है, तीन चार दिन बाद ना उसको समझ में आने लग गया कि ओके ठीक है, अभी वो ड्रामेबाजी बंद कर मुझे रियल नवदीश आना है जैसी वो है. और कितने दिन आप फेक करोगे, वो फेक नहीं कर पाएगी, वो पता ही है. तो वो उसका बचपना ही कह लो, लेकिन बड़ी प्यारी सी है, वो चुलबुली सी लड़की है. और धीरे धीरे तीन चार दिन बाद वो जब रियल नवदीश जो आ गई ना, वो ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट था उसका. क्योंकि तो बीच में ना आपका उसमें दिखाया था बलराज और संजना से आपका झगड़ा भी हुआ था, इट वॉज थोड़ा सा चार पांच आठ दिखाई थी, तो वो उसका वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका बलराज और संजना के? और सब क्लियर हुआ है मेरा उसके साथ. एंड आई थिंक कोई ऐसी बात, देखो जो भी है बातें होती है वो घर के अंदर होती है, वहीं पे खत्म हो जाए. आवाज नहीं आ रही. हेलो. हाँ अभी आई. हाँ, तो जो भी बातें होती हैं घर के अंदर ही खत्म हो जाए वही अच्छा है. बाहर आने के बाद इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए. और बलराज के साथ मेरी पहले दिन ही लड़ाई हो गई थी, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी. बट अगेन वही मैं कहूंगी कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, ना मैं संजना की बचपन से दुश्मन हूँ, ना मैं बलराज की दुश्मन हूँ. कोई दुश्मनी ऐसी है नहीं घर के अंदर. वो खेलते खेलते, वो गेम खेलते खेलते दुश्मनियां क्रिएट हो जाती हैं, पर बाहर आने के बाद सब सॉर्टेड है, कोई बात ही नहीं है ऐसी. आई थिंक बलराज इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक पर्सन. जितना मैंने बाहर आने के बाद उससे बात की है, जितना मैं उसको जानी हूँ, आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट फॉर हिमसेल्फ. एंड सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके, हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं. और so yeah, we are friends and अच्छा लगता है मुझे जान के that I made good friends. Okay, अभी मैं पूछूंगी मयंक के बारे में, वो मयूर के बारे में. तो अच्छा, मयूर 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 में कौन सी ऐसी qualities हैं जो आपको पसंद हैं? He is a very good friend of yours. Yeah, he is very good friend. और he is स्ट्रेट ऑन द फेस. जो उसके दिमाग में होता है वो सीधे अपने फेस पे, आपके फेस पे बोल देगा. कुछ भी दिमाग में रखेगा नहीं, कुछ भी दिल में नहीं रखेगा. दैट्स हाउ ही इज. एंड अगेन उसकी भी वही एक चीज है कि दोस्ती अगर करेगा तो दिल से निभाता है. मुझे ये चीज उसकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद थ्रू आउट मेरे दिमाग में ये चीज थी कि ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मयूर क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या मेरे पीठ पीछे बातें करेगा. बिकॉज ये होता है ना, ये होता है. सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान थोड़ा सा चेंज होने लगता है. बट आई एम सो हैप्पी कि उसने वो चीज नहीं की. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट कि वो उसने तभी भी मेरे लिए पीछे से मेरा स्टैंड लिया. और संजना को जब झगड़ा हुआ था तब मेरे मेरे पीछे ही टुक माय स्टैंड. एंड या ही वाज देयर विद मी थ्रू आउट. सो ही इज वेरी रिलायबल, आल्सो ट्रस्टवर्दी है बहुत ज्यादा. तो अगर हम बात करें बिग बॉस 13 की, तो बिग बॉस 13 आपने पूरा देखा? आपने अभी भी रिपीटेशन शो आ रहा है? नहीं, मैंने पूरा नहीं देखा.
ओके मैंने ओके, तो पूरा मूवी आपको देखा। अगर देखा जाए तो किसकी जर्नी ज्यादा अच्छी लगी आपको, या कौन सा फेवरेट जोड़ी थी या फेवरेट था आपका? फेवरेट जोड़ी सी जर्नी मुझे नहीं बिकॉज पता अभी सबकी वहां पर जर्नी। इतनी सारी जोड़ियां बन गई थी एक्चुअली। हाँ यार, तीन जोड़ियां बनी है ना इस बार बिग बॉस करके, तो तीन आसिम जोड़ियां बनी हिमांशी, है। हाँ, देन सिद्धार्थ एंड पारस माहिरा। पारस एंड माहिरा, वाओ वाओ। सो जर्नी मैं नहीं देख, मैं बता नहीं सकती कि किसकी जर्नी ज्यादा अच्छी रही है, क्योंकि मैंने शो इतना पहले भी फॉलो नहीं किया था ना, अब मैं कर पा रही हूँ। पर इस बार बिग बॉस 13 बहुत ही एंटरटेनिंग था, और पता क्या है कि इसमें ऐसी एक चीज मुझे नजर आई कि अगर आपका प्यार है तो वो प्यार थ्रू आउट द शो है, अगर आपकी दुश्मनी है तो थ्रू आउट द शो थ्रू दुश्मनी आउट है। दी ये नहीं कि यस आज आपकी दुश्मनी हो गई, कल ओ माय गॉड आई लव यू यू आर सो नाइस, ये ड्रामेबाजी नहीं थी। दुश्मनियां टिकी हैं अच्छे से, और लगा है कि हाँ ये लोग जेन्युइनली मतलब खेल रहे हैं, और कोई भी फेक नहीं कर रहा है, सबके रियल नेचर ही बाहर आ रही थी कि सब ये कैरेक्टर सबके वो ही है। क्योंकि कुछ लोगों तो मैं ही जानती हूँ, जैसे आरती को मैं जानती हूँ, देन अब्बू जी को मैं जानती हूँ, तो उन सबकी रियल नेचर तो मैं जानती ही हूँ ना, तो मुझे पता है कि हाँ ये ऐसे अगर बिहेव कर रहे हैं तो ये ऐसे ही है, तो अभी ये जैसे मुझे अच्छा सिद्धार्थ लगा। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सिद्धार्थ एंड शहनाज, तो शहनाज कैसी लगती है आपको, एंड व्हाट अबाउट आप शहनाज क्या कहना चाहेंगे उनके रिलेशन के बारे में? रिलेशन के बारे में ऑनेस्टली मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका रिलेशन क्या है इस वक्त, और क्या मतलब रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, बट दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, और मैं ही नहीं सारे ही ये चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों फ्यूचर में साथ में रहें, क्योंकि आई बिलीव बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं। एक तो एज अ कपल जब वो दोनों जब खड़े होते हैं, और जिस तरह शहनाज उसको देखकर, सिद्धार्थ को देखकर जिस तरह शर्माती है, और सिद्धार्थ भी बड़ा बड़ा एक अलग सा, एक क्या कहते हैं, एक पिंक पिंक नहीं हो जाता जैसे इंसान, जैसे यस मुझे हाँ, दिखाई देता है, क्योंकि मैंने ब्लश देखा करने है, लगते हैं हाँ बहुत ज्यादा। स्टेज स्टेज पे मैंने देखा है दोनों को साथ में, और पता नहीं एक वो ना मानने वाली चीज होती है ना, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन नजरें चुराने वाली एक चीज होती है ना, वो तो वो इतनी क्यूट है, और ऐसी जोड़ियां बहुत कम होती है जो एक्चुअली अच्छी भी लगती है, और दोनों दोनों में प्यार भी वैसा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वो चीज है तो फिर उसको क्यों आगे ना लेके जाए, तो आई बिल्कुल। रियली तो होप अभी कि वो आप, साथ में जाएं आगे। अभी आपने देखा उनका भुला दूंगा जो एल्बम सॉन्ग आया, देखा मैंने, वीडियो देखा सॉन्ग, मैंने, देखा कैसा मैंने, लगा, दोनों की बहुत केमिस्ट्री अच्छी कैसी केमिस्ट्री, लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे दोनों की, और वो तो लगनी ही थी जो केमिस्ट्री दोनों की, हमने ऑन स्क्रीन भी देखी है बिग बॉस में, वो तो ऑब्वियसली जब वो पीपल वर वेटिंग फॉर द वीडियो, और वो है केमिस्ट्री जो है वो एज इट इज वैसी ही लग रही है वीडियो में भी, दे लुकिंग ग्रेट टुगेदर। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है, तो जब भी ट्रोलिंग कुछ ऐसा इफेक्ट करती है आपको, वो ट्रोलिंग कुछ आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं, ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। आई बिलीव कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना पैसे दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है, पता नहीं मेरे दुश्मन होंगे, कौन होंगे, मुझे भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, अनूप जी को लेकर बोलते हैं, फिर जब मैं एमएसके से आई थी, मुझे मयूर को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई थी, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों से, क्योंकि मैं मेंटली सॉर्टेड हूँ, एंड आई बिलीव के ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनको कोई काम धंधा नहीं है, वो फ्री में आते हैं भाई, और मैं उनकी प्रोफाइल जब ओपन करके देखती हूँ, उनके जीरो फॉलोअर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स भी नहीं होते, और वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हें पता है, ऐसा लगता है जैसे उनको बोला गया है कि आपने सिर्फ जसलीन के जाकर पोस्ट पे गालियां देनी है, सो वो पेड चीज है, उनको पैसे दिए जाते हैं इस चीज के लिए, उनका प्रोफेशन है, तो उनका प्रोफेशन है तो वो अच्छे से निभा रहे हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बेचारे थोड़ी दिल से बोल रहे हैं, उनको बुलवाया जा रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। जब भी मुझे कोई डीएम भी ऐसा आता है कोई गाली वाला, तो मैं उसका पहला लाइन देखती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि ये फेक है, कुछ बकवास गाली वाला ही कुछ होगा, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अभी थोड़े दिन पहले ना देवोलीना की कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी, अभी उन्होंने शहनाज के बारे में कुछ बोला, एंड देन सिद्धार्थ के फैंस ने फिर उस पर कमेंट किया, तो इट वाज लाइक बहुत ज्यादा ट्रोलिंग चलती है एक्चुअली। सिद्धार्थ के फैंस जो है उन्हें बुरा लगा होगा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब कुत्ते से कंपेयर किया और इस तरह की बातें जब बोली, तो अब एक ये नॉर्मल जेन्युइन रिव्यू होता देवोलीना की तरफ से तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ी सी
उसमें गुस्सा नजर आ रहा था. एंड ठीक है, मतलब गुस्सा भी बिग बॉस 13 से आया हुआ है. बिग बॉस 13 में पता नहीं दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या बोला हो, क्या क्या झगड़े हुए हो, तो वो गुस्सा जो है वो यहाँ पे उनके गाने पे उन्होंने निकाल दिया. लेकिन एक 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 नॉर्मल तरीके से अगर एक रिव्यू देते, एक जेन्युइन रिव्यू देते तो ज्यादा अच्छा लगता. यू नो, ये सब बातें करने से अच्छा कुत्तों से कंपेयर करना या व्हाटएवर जो भी उनके बात हुई है. तो ऑब्वियसली अगर सिद्धनाथ के फैंस है उनको गुस्सा आया होगा इस चीज का, और उन्होंने भी अपना गुस्सा बम फोड़ दिया उनके ऊपर. वहां देवोलीना के फैंस यहाँ पे बैश कर रहे हैं, तो एक अच्छा वॉर हो गया इनके बीच में. एंड आई थिंक अभी सब ठीक है. अभी ऑल इज, लेकिन फिर भी ये लोग कहाँ फैंस है ना अपने. अभी थोड़े दिन पहले मायरा और पारस को लेके उन्होंने एक वेडिंग का कार्ड बना दिया था. इट वॉज पोस्टेड ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर कि पारस और मायरा की शादी होने वाली है. अच्छी बात है अगर ये बात ऐसी है तो कि दोनों की अगर शादी हो रही है तो. वैसे भी पारस शादी करने तो गए थे ना MSK में, तो बाहर आने के बाद मतलब उनको तो मतलब शादी का मन तो था ही. तो अच्छी बात है अगर शादी करे. एंड दे लुक गुड टुगेदर यार, क्या प्रॉब्लम. And I think दो best friends अगर साथ में अगर एक you know life partner बन जाएं तो फिर अच्छा ही है. उनसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है एक दूसरे को, right? अच्छा अगर बात करें हम आपकी नए प्रोजेक्ट की, तो अभी और क्या क्या आ रहा है? आपने म्यूजिक एल्बम के बारे में बताया, मूवी आ रही है, तो अभी कुछ वेब सीरीज और कुछ मूवी वेब सीरीज का कुछ प्लान है? अभी तक वेब सीरीज का कोई प्लान नहीं है. और पहले तो ये जैसे ये सिचुएशन से हम बाहर निकले उसके बाद पहले ये काम में वो मेरी स्टूडेंट है का काम खत्म होगा, उसके बाद वो दो गाने आएंगे. तो हो सकता है साइमल्टेनियसली ही हम दोनों चीजें एक साथ रिलीज कर दें. वील सी, अभी तक कुछ ऐसा प्लान नहीं है. वी आर वेटिंग के यू नो ये सिचुएशन पहले ठीक हो जाए. आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट किसी भी चीज से. yes. सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं, काम हम करते रहेंगे आगे भी करेंगे. ये सिचुएशन से बाहर इस वक्त निकलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए. अच्छा आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन था? फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश वुड बी रणवीर सिंह. ओके ओके. चलो छोटा सा, फिल्म और रैप सीरीज? फिल्म. ओके, इफ आई टॉक अबाउट बेस्ट मेमोरी, मतलब अभी तक आपकी बेस्ट मेमोरी कौन सी रही है लाइफ की, जो अभी तक आपके जहन में रहती है? बेस्ट मेमोरी का पता नहीं, लेकिन ये चीज जरूर मेरे दिमाग में रहती है कि एक बार जब मैं बचपन में जब मैं गाना गा रही थी तो मैं बाथरूम में गा रही थी गाना, और वो मेरी मॉम ने सुना और मेरी मॉम ने डैडी को बताया और कहा कि मुझे लगता है हमारी बेटी यू नो सिंगर पैदा हो गई है हमारे घर में, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में कोई सिंगर नहीं है. और डैडी ने सुना और डैडी ने कहा यार इसकी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी. तो वो एक मेमोरी नहीं कह सकती, बट मुझे मेरे दिमाग में वो अभी भी चीज है कि वो मेरे साथ हुआ, वो मैं गा रही हूँ और मेरे पेरेंट्स ने वो चीज समझी और उस चीज को मेरे लिए आगे बढ़ाई. यू नो इतना सपोर्ट किया उन्होंने मेरा. वो एक चीज मेरे बहुत दिल के करीब है. तो अगर हम बात करें अच्छी लड़की की, तो मतलब शादी करेंगी आगे से, आगे फ्यूचर में शादी करेंगी तो कुछ ऐसा मतलब कुछ ऑप्शन आपने सोच रखा है? नहीं, ये बहुत बड़ा पंगा हो गया कि जस्ट बिकॉज मैंने MSK कर दिया तो सबको अब लग रहा है कि बस मैं शादी करूंगी, अब जल्दी शादी होगी. जब भी दो साल भी चार साल पांच साल जब भी उसके बाद शादी करेंगे आप, तो कुछ ऐसा जहन में है कोई कि इसकी तरह करेंगे या कुछ ऑप्शन में है या किस तरह का लड़का पसंद है आपको? मैंने कभी भी अपने दिमाग में इस तरह का लड़का नहीं सोचा है कि कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और यू नो वो बहुत पैसे वाला होगा, मुझे जिंदगी के सारे ऐशो क्या आराम मिलेंगे. इस तरह का मैंने कभी भी नहीं सोचा. मुझे वैसा लड़का चाहिए ही नहीं. मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह की मेहनत मैंने अपनी लाइफ में की है, जिस तरह की मेहनत से मैंने पैसा कमाया हुआ है, वैसा ही लड़का उतनी ही मेहनत किया हुआ और यू नो लाइफ में फोकस्ड हो, कि उसे पता हो कि चीजें, ये नहीं है कि पापा के पास बहुत पैसा है और ऐश कर रहे हैं बस, और वैसा मुझे आराम करने वाला लड़का मिल गया, मुझे वैसा नहीं चाहिए. मैं चाहती हूँ कि उसने भी कुछ चीजें देखी हो लाइफ में और वो आगे बढ़ के आया हो और दोनों साथ में मिलके चले, दोनों साथ में काम करे और आगे चले और साथ निभाने वाला हो. मैं ऐसा लड़का चाहती हूँ अपनी लाइफ में. अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए दोनों. एग्जैक्टली. हाँ. और कितना भी लड़ लो, आप लोग मर जाओ, एक दूसरे को गला पकड़ लो, लेकिन साथ हमेशा हो, ऐसा होना चाहिए. ये नहीं, आजकल लोगों में पेशेंस ही नहीं है. लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, हाउ डेयर यू, दिस इज नॉट फेयर. ओके, खत्म, रिलेशनशिप खत्म. वो एक दूसरे की ईगो हर्ट हो जाती है. ईगो हर्ट होती है, और जिस रिश्ते में ईगो हो वो रिश्ता ही क्या फिर.
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर हम बात करें आपकी सिंगिंग की, तो बचपन में आप कैसी थी? नहीं? स्कूल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करती थी या थोड़ा सा बताइए ना, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी सिंगिंग की? आपने बोला कि आप बाथरूम सिंगर थे सारी चीजें थी, बट उसके बाद मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ आपका, या सोचा था आपने कि इतने अच्छे सिंगर बनोगे आप? पता नहीं था कि मैं इतनी कितनी अच्छी सिंगर बनूंगी, लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई फिर डैडी क्या करते थे कि मैं थोड़ी सी शर्मीली थी, मुझे शर्म आती थी, फिर वही होता ना पापा मम्मी दोनों कोई गेस्ट आ गया तो चलो बेटा गा के सुनाओ वो चीज मेरे साथ करने लग गए, और मुझे तब बहुत गुस्सा आता था कि यार मुझे क्यों गाने बोलते हो, मुझे नहीं गाना, मैंने नहीं डांस करना, ये इस तरह से मैं इरिटेट हो जाती थी कि मुझे नहीं करना है, शर्म आती थी, मैं बहुत शर्मीली थी बचपन में। कौन सोच सकता था कि जो लड़की इतनी शर्मीली थी वो आज इतनी बोल्ड होगी, है ना, मैं चेंज हो गई मतलब ऐसे। एंड तब मैं वो सोचती थी और आज मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने जो ये चीज की मेरे साथ वो कितनी बड़ी बात थी। आज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं ना कि आप चलो डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, पोएम बोल के दिखाओ, वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए ही बोलते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस इन दो गेस्ट के सामने अगर बढ़ गया, कल को सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वो हर काम में, हर फील्ड में। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने ये मुझे चीज यू नो मेरे से करवाई। उसके बाद मुझे उन्होंने एनकरेज किया कि कॉलेज का 50 कॉलेजेस का इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ था जिसमें सारे कॉलेजेस के बच्चे आए थे और बहुत अच्छा अच्छा गाने वाले थे सारे, उन्होंने उसमें एनकरेज किया मुझे, कुछ सारे गामा के सिंगर्स भी थे, है ना, सब साथ में। और मैं बड़ा डर गई थी, मैंने बोला यार मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, और मैं स्टेज पे गई और मैं कांप रही थी ऐसे, और मैंने गाना गाया और वो गाकर मैं वो कंपटीशन जीत गई। ओके। उस दिन के बाद से जो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा है लाइफ में, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको आगे परस्यू करूंगी। और ठीक है अगर मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती, मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में ज्यादा नहीं था, बट मैं अपने काम में आगे बढ़ूंगी, अपने काम में वो एजुकेशन लूंगी। ओके तो अभी आप कौन सा अपना फेवरेट गाना सुनाने वाली हैं? चलो वही गाने जिससे मैं इंटर कॉलेज जीती थी, हाँ वही सुना देती हूँ। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना, कभी शाम ढले आ, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। हाँ अभी आगे मैंने पूरा सुना लेकिन गाना, माय गॉड अमेजिंग यार, सीरियसली थैंक यू, बहुत अच्छी आवाज है आपकी सीरियसली। अच्छा अभी लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे अपने फैंस को, लाइक सी इट्स लॉकडाउन तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों को, थोड़ा प्रिकॉशंस और थोड़ा एडवाइस देना चाहेंगे? सब यही चीज का ध्यान दीजिए कि आप लोग अपना ध्यान दे रहे हैं, और अपना ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, और अपने नेशन का, अपनी कंट्री का ध्यान दीजिए, और ये हम सब मिलके साथ में ही कर सकते हैं। और हमारे मोदी जी जो है, पीएम जी हैं, उनकी बातों को, सेफ्टी मेजर्स को जरा सीरियसली लीजिए, और लेट्स डू दिस टुगेदर, लेट्स फाइट दिस टुगेदर, एंड कीप योरसेल्फ एंटरटेन्ड। या घर पे जो आपको करना है, मस्ती करो, नेटफ्लिक्स देखो, जो मर्जी करना है करो, अभी तो रात दिन आप ही की है बस। तो अच्छा आप कौन सी सीरीज देख रही है नेटफ्लिक्स पे अभी रिसेंटली, कौन सी देख रही? नहीं अभी मैं कोई सीरीज नहीं देख रही हूँ, पर आप मुझे अगर सजेस्ट करेंगे तो मैं जरूर देखूंगी, मैं उनसे ही सबसे ही जानना चाहूंगी कि क्या देखूंगी। असुर देखी आपने? असुर कौन सी? असुर, असुर इट्स वेरी नाइस, अब वो देखिएगा, बहुत अच्छी है। मैं सोच रही हूँ मुझे वो देखनी, मैं अमेजोन पे सोच रही हूँ कि एक है फोमो शॉर्ट्स, वो मैं देख, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। अभी एक पंचायत भी आई है, वो भी अच्छी है, बहुत सारी सीरीज है। अभी डन डन, आज ही मैं देखना शुरू करती हूँ। चलिए नाइस टॉकिंग टू यू जसलीन, एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज टेक केयर, एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू, चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।
सो गाइस, ये थी जसलीन हमारे साथ, और जसलीन ने आपको बहुत गाने भी सुनाए और बहुत अच्छी आवाज है जसलीन की। तो आपको कैसे लगा हमारा ये लाइव, आप हमें बताइएगा। और बाकी का अगर आपने लाइव नहीं देखा है तो ये अभी 24 आवर्स हमारे पेज पे रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। और जिस जिसने ये वीडियो अगर मिस कर दे तो हमारा यूट्यूब चैनल है टेली टशन और बॉलीवुड टशन, आप उस पर भी हमें ये वीडियो देख सकते हैं। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। और हम जल्दी आएंगे आपके साथ फिर एक नए गेस्ट के साथ, आप लोगों से लाइव चैट करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड बी सेफ।